आम इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, एक आम पब्लिक आती है, वो इन्वेस्टर को लेके आती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे चली जाती है, उस लेवल को अचीव कर लेती है, उसमें एक कैटेगरी डिफाइन हो जाती है कि सर अब तो इन्वेस्टर्स हैं, लोकल पर्सन अब कैसे वहाँ तक नहीं अप्रोच कर पा रहे। तो हम बैठे थे, हमने डिसाइड किया कि दोनों चीज़ों के लिए कोई बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि अगर सिर्फ इन्वेस्टर रह गया तो फिर वो पब्लिक कहाँ जाएगी जो पहले दिन से देर फर्स्ट से हमारे साथ है। तो उसके लिए हमने बड़ा मंथन किया, वो चीज़ें सामने निकल के आई। इसमें से बेस्ट चीज़ हमने ये लगी कि जो छोटा इन्वेस्टर है उसको भी हम NFTs दें। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो मेरा एक आम पर्सन जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा था और जो आज मेरे साथ है, तो हम वो NFT उनके लिए हमने ओपन कर दिया। वो 500 से हो या 1000 से, व्हाटएवर, इट्स ओपन फॉर यू। सबसे पहली बात, क्योंकि जो एक आम पर्सन एक बड़े इन्वेस्टर को लेके आया, तो अब वो बड़े इन्वेस्टर भी उस साइज का फायदा उठा पाएगा और सेम प्रॉफिट उसको भी मिलेगा जो एक इन्वेस्टर हमसे लेगा। दोस्तों दूसरी चीज, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से है, ये उस 30 मोस्टर खड़ा है, आप लोगों की बदौलत खड़ा है, मेरे से आप नहीं खड़े हो। मैं बोल दूँ कि आज कंपनी चली है, मैं ये, मैं नथिंग। अगर आप लोग साथ हो, आप लोगों का विश्वास, ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो ये कंपनी यहाँ तक है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको थैंक यू, आपने जो हमें हम पे बिलीव किया, विश्वास किया, सपोर्ट किया डे नाइट, उसके लिए थैंक्स। और दूसरी बात, अभी एक मुद्दा बना हुआ था कि मैच्योरिटीज को लेके, भाई मैच्योरिटीज क्या है, कैसे, ये वो। डियर, हमारे पास इतना अंपायर है, इतना तुम अगर आप देख पाओ तो हम मैच्योरिटी पता किसकी बात करें। ये मैंने पहले ही बोला था, मेरे लिए स्पेशल आया हूँ आज भी दोबारा। जिसको भी लगता है कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं लाइव स्क्रीन आता हूँ, मुझे कमेंट दे ऑन द स्पॉट अपनी मैच्योरिटी के लिए। ठीक है ना, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। खड़ा इसलिए क्योंकि आप लोगों का विश्वास मेरे साथ है और मैं इस विश्वास को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। की जो हमने अभी डिसीजन लिया है कि छोटा इन्वेस्टर एक बड़े इन्वेस्टर के बीच का जो डिफरेंस था, वो हम सभी ने मिल गया। आप सभी की राय, थॉट्स, कोर टीम मेंबर सभी की, उसके अंदर एक अच्छा मंथन हुआ और एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। तो तीन चीज हमेशा दोस्तों, ये कंपनी, ये पब्लिक, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक से है या आप लोगों से है, मतलब मैं आप लोगों से हूँ। दूसरी बात, मेच्योरिटी को इतना लेके चलो इस अंपायर के सामने। मैं पहले भी कहा था कि मैं खड़ा हूँ और मैं आज भी आप लोगों के साथ हूँ। और जो बड़ा डिफरेंस था इन्वेस्टर के बीच, उसका वो खत्म हो चुका है। अभी आम इन्वेस्टर को भी वही परमिशन, वही प्रोफिटेबिलिटी है जो बड़े इन्वेस्टर्स को। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट आप लोगों के साथ थी और इस चीज़ को FPG बड़े अच्छे से कॉन्ट्रीब्यू कर रहे हैं। और हमेशा FPG को म्यूट है, वो आपको हर चीज़, हर परफेक्ट लेवल पे आपको हर चीज़ की डिलीवरी देते हैं। तो मैं FPG को बुलाना चाहूँगा और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, इमोजी बहुत प्यारे आए हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। तो सर ने जो हमें तोहफा दिया है उसको थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ आएगी वो बात और कुछ को मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होंगे, राइट? सो नो प्रॉब्लम।